हाय गाइस, आज हम समझते हैं कोविड-19 वैक्सीन कैसे काम करती है। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा किसी भी इन्फेक्शन के होने पे हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से वायरस हवा में बहुत ही छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाता है। उस हवा को इनहेल करने से दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। वायरस के सरफेस पे स्पाइक्स की फॉर्म में प्रोटीन मौजूद होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ACE2 सेल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है। उसके बाद ये स्पाइक्स दो हिस्सों में टूट जाता है एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है फ्यूरिन, जो हमारी बॉडी सेल्स में पहले से ही मौजूद होता है। टूटने के बाद ये वायरस हमारी बॉडी सेल्स में इजीली घुस जाता है और हमें बीमार बनाना शुरू कर देता है। शरीर में किसी भी इंफेक्शन के आने से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और फीवर जैसे लक्षण भी आने लगते हैं। हमारे खून में कुछ डिफेंसिव सेल मौजूद होते हैं जिनको बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल। ये वायरस के स्ट्रक्चर को समझते हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे खून में एक और तरीके के डिफेंसिव सेल मौजूद होते हैं जिनका नाम होता है मेमोरी बी सेल। इनका काम होता है वायरस के डेटा को स्टोर करके रखने का, ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर फिर से एंटीबॉडीज बनाई जा सकें। इसके बाद प्लाज्मा बी सेल के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज वायरस की सतह पर मौजूद स्पाइक्स के साथ जाके जुड़ जाती हैं। उसके बाद बारी आती है फेगोसाइट सेल्स की, जो एंटीबॉडीज के साथ जुड़े हुए वायरस को पूरी तरीके से निगल जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्लाज्मा बी सेल के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज कुछ ही महीनों में खत्म होने लगती हैं, लेकिन उनकी सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी बी सेल में लंबे समय तक स्टोर रहती है। सारा प्रोसेस हमारे शरीर में मौजूद ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका के अंदर होता है, जिनकी वजह से हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार किया जाता है। आइए ब्लड वेसल्स को थोड़ा नजदीक से देखते हैं। जब किसी वायरस के खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पूरी तरीके से बन जाती हैं, सेम वायरस से हम फिर से बीमार नहीं पड़ते। इसका मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। वैक्सीन इस पूरे प्रोसेस को नकल करता है हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए और एंटीबॉडीज बनाने के लिए, बिना हमें सच में बीमार किए। SARS-CoV-2 के लिए हम mRNA वैक्सीन यूज करते हैं। mRNA वैक्सीन जब हमारे शरीर में इंजेक्ट की जाती हैं, उनकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन बनते हैं जिनकी वजह से फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। इस आंसर को समझने के लिए हमें पहले प्रॉब्लम को समझना होगा, द वायरस इटसेल्फ। वायरस की सतह पे कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको हम एंटीजेंस बोलते हैं। एंटीजेंस उन फॉरेन सब्सटेंस को कहा जाता है जो हमारी बॉडी के नहीं है, और जब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो हमारा डिफेंसिव सिस्टम उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही जुड़ सकती है। इनका जुड़ने का मकसद इस वायरस और एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना होता है। अलग अलग वैक्सीन बनाने के लिए अलग अलग एंटीजन्स यूज किए जाते हैं। हर वैक्सीन को पब्लिक तक पहुंचने से पहले कुछ चेक पॉइंट से गुजरना होता है।
अप्रूवल मिलने के बाद ही वैक्सीन लार्ज स्केल पे बनाई जाती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है।